नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवीन शिक्षा पद्धति निबंध की रूपरेखा। इससे संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में तथा अन्य राज्य की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो हम जमाते हैं नवीन शिक्षा पद्धति निबंध की रूपरेखा। नवीन मतलब क्या होता है दोस्तों? नया, ठीक है ना। तो भारत देश को नई शिक्षा पद्धति की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो प्राचीन शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें क्या क्या सुधार की संभावनाएं हैं इसमें हम जानेंगे। पहला बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा बिंदु है प्राचीन शिक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता, जो प्राचीन ढर्रा चल रहा है उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। तीसरा है नवीन शिक्षा पद्धति का प्रारूप, चौथा बिंदु है नवीन शिक्षा पद्धति के मुख्य बिंदु, पहला बिंदु है भाषा नीति यथावत रखी जाए, यानी कि भाषाओं से छेड़छाड़ न की जाए, ठीक है ना। यानी कि हिंदी वाले हिंदी सीखे, तमिल वाले तमिल सीखे, गुजराती वाले गुजराती सीखें, और अंग्रेजी को सिर्फ एक भाषा बनाकर छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तीसरा है पढ़ाई के वर्षों का क्रम 10+2+2+3 रखा जाए। तीसरा बिंदु है शिक्षा कार्यक्रम को बल देने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, सैटेलाइट, इंटरनेट आदि माध्यमों का उपयोग होना चाहिए। चौथा बिंदु है नवोदय विद्यालय एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल जरूर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा देश वैसे ही बेरोजगार है, क्योंकि यहाँ के लोगों को व्यावसायिक उद्योग धंधे याद ही नहीं है। पांचवा बिंदु है विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर ध्यान। छठा बिंदु है प्रौढ़ शिक्षा, आदिवासी एवं हरिजन शिक्षा आदि पर बल। फिर है सातवां बिंदु सह शिक्षा पर बल, यानी को एजुकेशन पर बल, यानी कि जहां पे लड़का लड़की समानता से शिक्षा ले सके। ऊपर का पांचवा बिंदु है उपसंहार। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। इसी प्रकार आप अपने उत्तर पुस्तिका में इस रूपरेखा को जमा कर आइएगा, और ऐसी शिक्षा की प्रणाली नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में उन्होंने प्रारंभ की भी है दोस्तों। धन्यवाद।